Welcome students. Now this is the part 2 of life cycle of malarial parasite. अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें गैमोगोनी, ठीक है ना। तो एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी चल रही थी, अब हुआ क्या कि हमारे सामने कुछ मीरोजोइट्स आए, रिलीज हुए, अंडरस्टैंड। दोनों दो तीन बार जो है मल्टीपल फिजन हो चुका है। अब क्या होगा, कुछ मीरोजोइट्स जो हैं जो आरबीसी के अंदर अभी एंटर कर गए हैं, वो क्या करेंगे, दे डू नॉट डेवलप इन टू द शिजोंट। वैसे मीरोजोइट्स का काम क्या होता है, बार बार आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे और एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी करते रहेंगे मल्टीपल फिजन के द्वारा, और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें शिजोंट्स बनते हैं, है ना। शिजोंट्स जो होते हैं वही मल्टीपल फिजन कराते हैं। तो ये जो कुछ मीरोजोइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये शिजोंट्स नहीं बनाएंगे, दे डेवलप इनटू कॉम्पैक्ट राउंड बॉडीज विच लैक ए वैक्यूल। तो ये अब कॉम्पैक्ट राउंड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसमें वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है। और ये काफ़ी स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, अब ये मीरोजोइट्स काफ़ी धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट बॉडी में बदल चुके हैं, वैक्यूल नहीं हैं, और इनको अब हम बोलेंगे गैमेटोसाइट्स। नाउ दे आर कॉल्ड एज गैमेटोसाइट्स। तो मतलब ये सेक्सुअल फेज में अब एंटर कर गए हैं। गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गैमेटोसाइट और एक होता है फीमेल गैमेटोसाइट। तो मेल गैमेटोसाइट को हम माइक्रो गैमेटोसाइट कहते हैं, अब जो माइक्रोगैमेटोसाइट है ये कैसा होता है, इट इज़ स्मॉल, जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ स्मॉल, दे आर फ्यू, नंबर भी इनके कम होते हैं, देयर न्यूक्लियस इज लार्ज, लार्ज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज प्लेस्ड सेंट्रली, सेंट्रल न्यूक्लियस, मतलब सेंटर में होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है माइक्रोगैमेटोसाइट्स का, ये लाइट स्टेन होता है, अगर स्टेनिंग करेंगे तो ये हल्का स्टेन होगा, बिकॉज इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो कम होता है, तो रिजर्व फूड कम होने की वजह से स्टेनिंग भी लाइट रहती है। अगला हम पढ़ेंगे दैट इज़ द मेगा गैमेटोसाइट। अब जो अपना मेगा गैमेटोसाइट है ये क्या है एक्चुअल में, फीमेल गैमेटोसाइट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये लार्ज होता है, ज़्यादा होते हैं, मैनी, या हम ये कह दें न्यूमरस, और न्यूक्लियस जो होता है स्मॉल होता है, और वो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से स्लाइटली थोड़ा अवे, थोड़ा दूर की तरफ। साइटोप्लाज्म इनका जो होता है वो थोड़ा डार्क स्टेन होता है, अगर हम स्टेनिंग करेंगे इनकी तो उनका साइटोप्लाज्म डार्क स्टेन होगा, बिकॉज में रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा होता है, एबंडेंट रिजर्व फूड होता है, तो डार्क स्टेन साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो ये दो हमने अभी जो गैमेटोसाइट्स हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है अभी हमने थोड़ा सा स्टडी किया। बोथ द टाइप ऑफ गैमेटोसाइट्स हैव मोर हीमोजोइन देन शिजोंट्स। तो ये जो दोनों गैमेटोसाइट्स हैं इनके पास काफ़ी हीमोजोइन होता है, शिजोंट्स से भी ज़्यादा। तो अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट, अब इनका जो मनुष्य के अंदर जो जीवन है वो हो चुका है, मतलब ने विल नॉट फर्दर डेवलप इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ब्लड के अंदर ये अब डेवलप नहीं हो सकते। और अगर कोई मॉस्किटो आकर के हमें इस समय बाइट नहीं करेगा तो ये ब्लड में घूमते रहेंगे और इनकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। दे डाई इफ नॉट सक्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो अब होगा ये कि अगर सही फीमेल मॉस्किटो आ गया, जिसे फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कहते हैं, मान लो कोई क्यूलेक्स आ गया या कोई दूसरा मॉस्किटो आ गया, एडीस मॉस्किटो आ गया, तो अगर वो इस समय ब्लड को सक कर लेगा तो ये वहाँ पर भी गैमेटोसाइट मर जाएंगे। तो सही मॉस्किटो की तलाश होती है इन गैमेटोसाइट्स को, और जो होता है फीमेल
एनोफिल्स। जब फीमेल एनोफिल्स हमें बाइट करेगी तो ये गैमेटोसाइट उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर के उनको सही एनवायरनमेंट मिलेगा आगे डेवलप होने के लिए। अब जो ये फीमेल एनोफिल्स है, ये केवल जब हमें सक करेगी हमारे ब्लड को तो केवल गैमेटोसाइट ही नहीं जाएंगे, गैमेटोसाइट के अलावा उसकी बॉडी के अंदर दूसरी स्टेजेस जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट थी वो भी चली जाएंगी, मीरोसाइट्स भी चले जाएंगे, लेकिन बाकी सारी स्टेजेस जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ये गैमेटोसाइट है ये डाइजेस्टिव जूसेस का इफेक्ट झेल जाते हैं। तो फीमेल एनोफिल्स के अंदर जो गैमेटोसाइट जाएगा, इट कैन विदस्टैंड द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, withstand the action of digestive juices। तभी तो मॉस्किटो के पेट में कोई दिक्कत नहीं होती इसको। अब ये गैमेटोसाइट्स क्या करने वाले हैं? आरबीसी के अंदर थे, ये आरबीसी के अंदर ही तो गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, और ये आरबीसी किसके पास चला गया है? मॉस्किटो के पास। तो मॉस्किटो के स्टमक में जाके नाउ दीज गैमेटोसाइट्स कम आउट एंड दे रप्चर द आरबीसी, आरबीसी को ब्रेक करके ये बाहर आ जाएंगे एंड दे बिकम फ्री इन द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो। मच्छर के पेट में आराम से आ गए। तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स इन मॉस्किटोज स्टमक इन्वॉल्व टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। अब यहाँ पर दो इवेंट्स होंगे, पहला होगा गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा इवेंट है आगे चल के फिर फर्टिलाइजेशन। ये दो इवेंट आगे चल के होने वाले हैं जो गैमेटोसाइट के डेवलपमेंट में ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो ईच माइक्रो गैमेटोसाइट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, माइक्रो गैमेटोसाइट, इससे क्या बनेगा? मेल गैमेट। अंडरस्टैंड? और जो ये मेल गैमेट बनेंगे दे विल स्टार्ट मूविंग एंड दे सर्च द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और जो मेगा गैमेटोसाइट है इससे क्या बनेगा? मेगा गैमेटोसाइट से आप देखेंगे फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट बन गए। जो फीमेल गैमेट है उसकी सर्च में अब मेल गैमेट्स आपस में वहाँ पर आएंगे। नाउ द माइक्रो गैमेट फ्यूजेस विद द मैक्रो गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो अब होगा फर्टिलाइजेशन। माइक्रो गैमेट प्लस मेगा, और सॉरी मैक्रो कह देते हैं, मैक्रो गैमेट, they will fuse with each other and what is now formed, we will see the formation of zygote. So zygote jo hota hai, it is non-motile and it is round spherical body. Now zygote becomes elongated and worm-like. Starting mein zygote kaisa hota hai? Round hota hai, lekin aage chalke wo kaisa ho jata hai? Elongated ho jata hai, worm-like ho jata hai. And it starts moving on the lining of stomach. So stomach ki lining hoti hai mosquito ke stomach ki. स्टमक में फर्टिलाइजेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो स्टमक की जो मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के स्टमक की लाइनिंग है उस पर ही मूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड इट इज नाउ कॉल्ड एज ऊकाइनेट, ऊकाइनेट, या इसका एक और नाम है वर्मिक्यूल। तो आपके समझ में आ रहा होगा ये ऊकाइनेट क्या है। एक्चुअल में जो जाइगोट बनाया उसे ऊकाइनेट तब कहते हैं जब वो वॉर्म लाइक हो जाता है। अब ये वॉल पर घूम रहा है स्टमक की, और अब ये क्या करेगा? इट पायर्सिस द
वॉल ऑफ स्टोमक। मॉस्किटो के स्टमक की वॉल को ये पायर्स करेगा और जस्ट उसके सरफेस के नीचे, जो उसकी वॉल थी उसके सरफेस के नीचे जा करके ये अब वहाँ पर रेस्ट करेगा। तो ये इसने उकाइनेट ने क्या किया, इसको पायर्स किया और अब ये नीचे जा रहा है। और फिर अगली स्टेज में आप क्या देखोगे, अगली स्टेज में देखोगे कि ये नीचे पहुँच जाएगा और ये इसकी वॉल के नीचे रेस्ट कर रहा है। हियर इट एज्यूम्स ए स्फेरिकल फॉर्म। अब ये यहाँ पर स्फेरिकल फॉर्म को एज्यूम कर लेगा इसके नीचे एंड इसके चारों तरफ एक सिस्ट वॉल डेवलप हो जाएगी, चारों तरफ एक वॉल डेवलप हो जाएगी, इसे सिस्ट वॉल कहेंगे। अब इसका नाम हो जाएगा ऊसिस्ट, ओ ओ सी वाई एस टी। एक और नाम हो सकता है स्पोरोंट। तो आपके समझ में आया ना ऊसिस्ट अब कब कहेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ऊसिस्ट लुक्स एज राउंड प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ स्टोमक। तो जो मस्कीटो का सरफेस होगा इस पर इस तरह से राउंड प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। इन राउंड प्रोजेक्शंस का मतलब ये है कि यहाँ पर अंदर सरफेस के नीचे क्या प्रेजेंट है, ऊसिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब आगे चल के हम पढ़ते हैं स्पोरोगोनी। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्पोरोगोनी जो है वो क्या था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्पोरोगोनी इज द एसेक्सुअल फेज इन मॉस्किटो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब जब ऊसिस्ट बन गया है तो स्पोरोगोनी हमें देखने को मिलेगी। तो ऊसिस्ट जो है इट अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनी। दिस सिस्ट नाउ ग्रोज इन साइज। जो सिस्ट हमने देखी थी वो अब साइज में बड़ी होगी। इट डिराइव्स द नॉरिशमेंट फ्रॉम मॉस्किटो थ्रू द सिस्ट वॉल। तो अब ये सिस्ट वॉल से अपना ये जो अपना जैसे सरफेस था स्टमक, ठीक है, इसके नीचे क्या है, सिस्ट है। सिस्ट की वजह से ये इस तरह से प्रोजेक्टेड दिखाई देता है, यहाँ पे सिस्ट प्रेजेंट है। अभी जो सिस्ट हो जो हैं ये अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं थ्रू द सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल के थ्रू न्यूट्रिशन अंदर पहुँचता रहता है क्योंकि जो सिस्ट वॉल होती है ये थिन, इलास्टिक और परमिएबल होती है। तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं आसानी से अंदर जाते रहते हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपके क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ ऊसिस्ट डेवलप्स ए नंबर ऑफ वैक्यूल्स। अब जब ये न्यूट्रिशन लेता चला जाएगा तो अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स बनेंगे। एंड नाउ द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। और अंदर आप देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब स्पोरोगोनी के कारण जो सेल्स बनेंगे उनको बोलेंगे स्पोरोजोइट्स। अंडरस्टैंड। तो अब हमारे सामने क्या आए हैं, अब हमारे सामने आ गए स्पोरोजोइट्स। तो एक ऊसिस्ट के अंदर स्पोरोगोनी हो रही है और उससे मतलब उसके अंदर जो मल्टीपल फिजन हो रहा है स्पोरोगोनी, और उससे कई सारे स्पोरोजोइट्स बन सकते हैं। लगभग 10,000 स्पोरोजोइट्स अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो ऊसिस्ट जो है इट विल रप्चर। व्हेन द इट रप्चर्स स्पोरोजोइट्स आर सेट फ्री इनटू द हीमोसील। आपको तो पता ही है कि जो मॉस्किटो है वो क्या है, आर्थ्रोपोड है। दे हैव ओपन बॉडी कैविटीज जहाँ पे ब्लड भरा रहता है ना। ब्लड इज़ फिल्ड इन द बॉडी कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज हीमोसील। तो हीमोसील के अंदर ये स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे। अब जो ये हीमोसील है ये सेलाइवरी ग्लैंड्स के साथ भी कनेक्टेड है। तो जो अपने स्पोरोजोइट्स हैं दे रीच द सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द मॉस्किटो, और दूसरे पार्ट्स पे भी जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जो स्पोरोजोइट सेलाइवरी ग्लैंड में आ गए हैं वो अगर मॉस्किटो हमको बाइट करेगा तो हमारे ब्लड में आ जाएंगे, ब्लड ऑफ ह्यूमंस। दे कैन कम फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन बीइंग्स बाय दिस वे।
एक बाइट के अंदर 1000 स्पोरोजॉइट आ सकते हैं, 1000 स्पोरोजॉइट्स कैन कम बाय वन बाइट। एक अगर हम देखें सिंगल इन्फेक्टेड मॉस्किटो में, एक सिंगल इन्फेक्टेड मॉस्किटो में लगभग 200,000 स्पोरोजॉइट्स हो सकते हैं, और एक बाइट में 1000 स्पोरोजॉइट को हमारी बॉडी में पहुंचा देता है। और आपको तो पता ही है कि जो स्पोरोजॉइट होता है यही एक इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है इनकी, मॉस्किटोज की, सॉरी प्लाज्मोडियम की, है ना। तो और आगे चल के फिर वही साइकिल जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वहाँ से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो वह साइकिल रिपीट हो जाती है पूरी पूरी। इस तरह से ही इसकी साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम की। तो अगर मॉस्किटो के अंदर देखें तो कितने टाइम के अंदर ये डेवलप हो जाता है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में, 1 से लेके 4 हफ्ते लग सकते हैं, 1 to 4 weeks लग सकते हैं इसको इनसाइड द मॉस्किटो इट डेवलप्स, इतना टाइम उसको लगता है। सो ये सब था, दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।